हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त लकी और आज हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। दोस्तों, जब भी हम रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो उसका जो इंट्रो हम देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि अगर उसकी जो शॉर्ट समरी हम लिखते हैं स्टार्टिंग में, हमारी जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है थीसिस की या रिसर्च की, उसके अबाउट में एक छोटी सी समरी लिखते हैं, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। दोस्त, एब्स्ट्रैक्ट अगर आप थीसिस लिखते हो या रिसर्च लिखते हो, उसमें ये रोल प्ले करता है कि आपकी जो थीसिस। तो दोस्तों, जब आप थीसिस लिखते हो तो उस थीसिस का जो आप इंट्रो देते हो या रिसर्च लिखते हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी भी टॉपिक पर लिखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, अब जब मैं लिखना शुरू करूँगा तो स्टार्टिंग में मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, वेरी शॉर्ट एक समरी बनानी पड़ेगी। उस समरी में, उस जो सारी मेरी रिसर्च है उसके अबाउट में एक छोटी सी समरी लिखनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, अमेजिंग वीडियो, कंप्लीट देखी होगी होपफुली। कि आप अगर प्लीज़ कमेंट कीजिए जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। कोई भी लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स या ग्रामर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।